सो यार, सुबह जम्मू से निकलकर तकरीबन 12 घंटे की जर्नी 350 किलोमीटर चल के मैं फाइनली आ गया हूँ बालटाल। और बालटाल में इस तरह के कैंप लगे हुए हैं जहाँ मैंने चेक इन कर लिया है, और ये वॉश एरिया है। मैं आप लोगों को अपना टेंट दिखाता हूँ। तो ये है कैंप मेरा, और इस तरह के बेडिंग लगे हुए हैं यहाँ पे, तकरीबन 5 बेड हैं। तो मेरा बेड ये है, और इसका कॉस्ट मुझे पड़ा तकरीबन 200 रुपये। तो ये 200 रुपये पर नाइट के हिसाब से ये चार्ज कर रहे हैं मुझसे, और 2 नाइट रुकूंगा मैं, क्योंकि कल मेरी यात्रा अर्ली मॉर्निंग 3 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। एग्जिट गेट पास में ही, मैं अभी आपको एग्जिट गेट दिखाता हूँ, उसके बाद सीधा डोमेल जाके वहाँ से मुझे ट्रैक करना है तकरीबन 11 किलोमीटर। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है बालटाल में, और अचानक से मौसम भी बिगड़ गया है। अगर मैं यहाँ से सामने दिखाऊँ तो वो रेन फॉरेस्ट चल रहा है वहाँ पर, और बारिश की संभावना है काफ़ी हैवी। यहाँ पे शासन और प्रशासन ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। और जो मैं बता रहा था कि कल सुबह हमें यहाँ से एग्ज़िट गेट से डायरेक्ट डामेल के लिए निकलना पड़ेगा, वो यहीं पे है, पास में ही है। ये फेंसिंग लगी हुई है यहाँ पे, और यहीं से 2 गेट बने हुए हैं जेंट्स और लेडीज़ के अलग अलग, और यही फेंसिंग को क्रॉस करके अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे हम यहाँ से एग्ज़िट हो जाएंगे। और सामने ही ट्रैक है, सो सीधा डामेल चल के, और वहाँ से 11 किलोमीटर का ट्रैक होली केव के लिए। सो जय बाबा अमरनाथ, जय बाबा बर्फानी। जय बोले की जय बाबा बर्फानी। सो तकरीबन रात को 2 बजे से लाइन में लगने के बाद हम बालटाल से जो एग्ज़िट गेट है वहाँ से तकरीबन 4:30 बजे हमको एंट्री मिल गई, और अभी यहाँ से 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद हम पहुँचेंगे डोमल। सो डोमल तक चलते हैं, वहाँ पर एक बार और सिक्योरिटी चेक होगा। तकरीबन 3 किलोमीटर के बाद मैं आ गया हूँ डोमेल चेक पोस्ट, इसको क्रॉस करके हमको जाना है, ये लास्ट चेकिंग है, इसके बाद सीधा हमारा 12 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा। तो यहाँ पे भी बैग स्कैन होता है, कैमरा चेक होता है मोबाइल के साथ, सारी चीज़ें चेकिंग के बाद अपना RFID कार्ड दिखाने के बाद वो हमें आगे बढ़ने देते हैं। और अभी ये स्टिल थोड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, उसके बाद हम आगे की यात्रा करेंगे। जय बाबा बर्फानी, भूखे गौन प्यासों के पानी। तो फाइनली आज ये अमरनाथ की यात्रा मैं कर रहा हूँ, और डोमल में सिक्योरिटी चेक के बाद तकरीबन 12 किलोमीटर का ट्रैक पड़ता है ये, और कहते हैं कि केदारनाथ से भी टफ ट्रैक है, क्योंकि केदारनाथ मैं 2 बार ट्रैक कर चुका हूँ, और वो 26 है, लगभग 8 आवर में पूरा होता है, बट ये जो ट्रैक है ये पूरा खड़ा है, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। और मैं बताता हूँ कि कितने आवर में ये 12 किलोमीटर का मैं ट्रैक पूरा करता हूँ, और बाबा श्री अमरनाथ के दर्शन करके फिर आपको प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हाँ, बस एक इन्फॉर्मेशन ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप अमरनाथ यात्रा में आए तो इस बार की जो अमरनाथ यात्रा है वो 61 डेज़ की है। 29 जून से यात्रा चालू हुई थी, और इसके रजिस्ट्रेशन अप्रैल से ही चालू हो गए थे। तो 2 रास्ते होते हैं बाबा अमरनाथ तक पहुंचने के। पहला है पहलगाम होते हुए, जो कि लगभग 32 किलोमीटर का है, और जिसे करने में दो दिन लगते हैं, 2 दिन चढ़ने में और 2 दिन उतरने में। तो और दूसरा रास्ता है वो है बालटाल का, जो कि 15 से 16 किलोमीटर का ट्रैक है। तो बाकी जो 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक रहता है वो हम डोमल तक करते हैं, काफ़ी सिंपल रहता है, लेकिन उसके बाद ये 12 किलोमीटर ट्रैक काफ़ी टफ होता जाता है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए, अभी पूरी ढलान है, उसके बाद फिर ऊपर वो देख रहे हो आप, वो चढ़ाई है। तो मेन थिंग जो है वो ये है कि आप रजिस्ट्रेशन करा के आएँ बालटाल या पहलगाम, जहाँ से भी आप ले रहे हैं, तो आपका यात्री परमिट होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो वहाँ ही RFID कार्ड बनता है, तो वो ज़रूर बनवा लें, क्योंकि उसके बिना सिक्योरिटी चेक नहीं होता। इस तरह का RFID कार्ड रहेगा, और इसके बाद आपको सारी सिक्योरिटी पोस्ट से गुजरते हुए आपको आगे यात्रा में बढ़ने देंगे। तो अभी फाइनली अब ये ट्रैक करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसा अनुभव रहा, और बाबा बर्फानी के भी आपको दर्शन करवाता हूँ। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है जिसे आपको ध्यान में रखना है, और सिर्फ बाबा बर्फानी का नाम लेते हुए
आगे बढ़ते रहना है। तो जय बाबा बर्फानी, जय भोले की। इस ट्रैक में क्या है ना, अमरनाथ यात्रा में अक्सर ये होता है कि मौसम बहुत ही परिवर्तनशील रहता है और मौसम का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि कल जब मैं बाल्टाल में रुका था तो अचानक से बारिश शुरू हो गई और तकरीबन रात भर चलती रही, तो जिस कारण से जो ट्रैक है ये काफ़ी, ये देख सकते हो आप, पूरा स्लिपरी हो गया। इसमें पैदल यात्री तो क्या, घोड़े भी सही से चल नहीं पा रहे, काफ़ी फिसलन भरा मार्ग है। और विश करता हूँ आज बारिश ना हो, हालांकि मैंने रेनकोट और जितनी भी ज़रूरत का सामान रहता है वो रख लिया है इनर, तो आज देखते हैं। आई होप सो मौसम अभी बहुत क्लियर है और काफ़ी अच्छे सुंदर नज़ारे हैं, तो बस यही है, ऐसा ही मौसम बना रहे तो ट्रैक जल्दी करके बाबा के दर्शन भी कर लेंगे। तू एक कदम आ, मैं 10 कदम आऊँगा। सो जैसा कि आपने देखा, इसी तरह से कदम कदम बढ़ा के चलते हुए जाना है बाबा के दर्शन के लिए। एक एक कदम बढ़ाओ और बाबा का नाम लेते हुए चढ़ते आओ। क्यों चौहान साहब? हाँ हाँ, बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। अच्छा, कहाँ से आप? मैं इंदौर से हूँ। ओके, ट्रैक करने में मज़ा आ रहा है? सफल, मंगल और सुखदायी। जय बाबा बर्फानी। जय बाबा बर्फानी। इस यात्रा की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हर कुछ मीटर में, 500 मीटर में, 1 किलोमीटर में शेड्स बने हुए हैं और सारे खाने की पीने की सुविधाएं हैं, जैसे कि यहाँ है शिव शक्ति जनहित सेवा दिल्ली से, इस तरह से अनेकों लंगर, अनेकों ढाबे, अनेकों भंडारे लगे हुए हैं इस यात्रा में, इस ट्रैक में, तो ये सबसे खूबसूरत बात है। इसलिए कहा जाता है जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। तो इस यात्रा का सबसे अहम पड़ाव 4 किलोमीटर बालटाल से ऊपर मैं आ चुका हूँ और अब 11 किलोमीटर बचा हुआ है, तो देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप कहाँ होगा हमारा। ये आप जो देख रहे हो कतारें जो चल रही हैं और यहाँ से ऊपर तक वो जो आप देख रहे हो ना लाइटिंग, वहाँ है पवित्र गुफा, वहाँ है बाबा बर्फानी का धाम। वो कहते हैं वाह रे शिव तेरी माया, अमरनाथ में डेरा जमाया, नीलकंठ में तेरा साया। तो बस शिव का नाम लेते हुए ऐसे ही धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाना है और उस पवित्र गुफा के दर्शन मैं आपको कराऊंगा जहाँ निवास है बाबा बर्फानी का। तो भाई हम लोग पहुँच गए हैं लोअर रेल पाथरी और यहाँ से अब पवित्र गुफा की दूरी बची है 9 किलोमीटर और ये जो आप देख रहे हो काफ़ी अच्छा शेल्टर भंडार गृह और काफ़ी यात्री इंजॉय कर रहे हैं। अभी कुछ ही दूर हुए थे ट्रैक करते हुए, लगभग 9 किलोमीटर, 8 से 9 किलोमीटर और बचा है पवित्र गुफा का ट्रैक और बीच में ये बहुत ही सुंदर नज़ारा, ह्यूम ग्लेशियर जो पिघल रहा है उससे बहुत ही सुंदर नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। क्या बोले कि ये देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा यार। और ऐसे ही बहुत सारे आगे भी हमको नज़ारे देखने को मिलेंगे और यहाँ जितने भी घोड़े करके आए हैं वो पानी पिला रहे हैं। ये इधर से पूरे यात्री आ रहे हैं और अब हमें इस ट्रैक में जाना है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। टफ है ट्रैक बट धीरे धीरे हम चलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं।
मोस्ट प्रोबेबली अब जो दूसरा शेल्टर आएगा वहाँ मैं अपडेट करता हूँ आपको, बाकी अब आगे और खड़ी चढ़ाई होने वाली है, बट हाँ थोड़ा टफ तो है। तो एक और पड़ाव और यहाँ पे है इमरजेंसी एड सेंटर, मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं, अपर रेल पटारी। जिससे पहले जहाँ रुका था वो था लोअर रेल पटारी और ये है अपर रेल पटारी। तो अब तो चढ़ते ही जाना है यार, टफ तो है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे चढ़ते रहना है, क्योंकि अगर रिदम बिगड़े तो फिर रुक ही जाते हैं यात्री, क्योंकि साथ में घोड़े भी चल रहे हैं, पैदल यात्री भी हैं, तो थोड़ा टफ रहता है। पूरा सेक्शन घोड़ों में घेर लिया, पैदल वालों के लिए सिर्फ एक ये पगडंडी है जहाँ से चढ़ रहा है। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है और अब लगभग 8 किलोमीटर और बची है पवित्र गुफा, बाबा के दर्शन करने थोड़े मुश्किल है, लेकिन यही आनंद है, क्योंकि आप अभी देखोगे तो ये देखिए पूरी खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हैं और इस तरफ से आप देखो काफ़ी टफ है यार, बट थोड़ा रेस्ट लेके फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जय चलते रहिए, जय बोले की। पूरी खड़ी चढ़ाई बस एक एक कदम आगे बढ़ाते रहना। अभी सर का कहना है कि 2 किलोमीटर तक और ऐसी टफ चढ़ाई है, उसके बाद फिर आपको पवित्र गुफा है उसके दर्शन हो जाएंगे और समतल रास्ता है, फिर समतल रास्ता है, तो 2 किलोमीटर और हम ट्रैक करेंगे। पूरी इसी तरह की खड़ी चढ़ाई है यार ये देखो, और ये पूरा अभी 2 किलोमीटर का ट्रैक और बचा है, टॉप तक चलना है। तो अभी थोड़े ही देर के लिए हॉल्ट लिया हूँ मैं, अभी स्टिल 7 किलोमीटर और बचा है और ऐसे ही टफ चढ़ाई है यार, बट वो कहते हैं ना द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब, सो बस इस तरह ही धीरे धीरे चढ़ रहा हूँ। काफ़ी खड़ी चढ़ाई यार, थोड़ा कठिन ट्रैक है ये, और बस कुछ ही मीटर बचा है तो ये ट्रैक समतल हो जाएगा। तकरीबन कुछ ही मीटर बचा है और उससे पहले मैंने अभी एक हॉल्ट लिया है, सेकंड हॉल्ट, तो यहाँ से तकरीबन 4 से 4.5 किलोमीटर और बचे। मैंने एक चीज़ देखी है केदारनाथ और अमरनाथ ट्रैक में, एक्चुअली बोथ आर सिमिलर, 70% दोनों सिमिलर हैं, बट जो 30% का जो ट्रैक है वो ज़्यादा टफ पड़ता है केदारनाथ से, तो अमरनाथ का ट्रैक जो है वो 30% ज़्यादा टफेस्ट है, क्योंकि इसमें पूरी खड़ी चढ़ाई है तकरीबन 5-6 किलोमीटर की। सो अभी आधा ही हुआ है, 4-4.5 किलोमीटर और बचा है, तो बस थोड़ा विश्राम करके फिर आगे निकलता हूँ। तो दोस्तों ये आ गया है यात्रा का टफेस्ट हाईएस्ट क्लाइंब, और यहाँ से मैं आपको बताऊँ तो आगे शेल्टर और यात्री प्रतीक्षालय और लंगर लगे हुए हैं, सो वो जो आपको बोर्ड दिख रहा है ना वहाँ तक और चढ़ना है, ये है लास्ट टफेस्ट पॉइंट, चढ़ते हैं और उसके बाद वहाँ से देखते हैं कितने किलोमीटर और बचे हैं बाबा बर्फानी और किस तरह का मार्ग है आगे से। सभी लोगों ने तो यही बताया कि आखिर टफेस्ट पॉइंट है, उसके बाद यात्रा का जो मार्ग है वो परिवर्तित हो जाएगा, देखते हैं। Thank you.
जय भोले की। तो दोस्तों, अब मैं इस यात्रा के बीच पड़ाव में आ गया हूँ, जहाँ पे इस यात्रा से दो रास्ते निकलते हैं, जो एक होता है पैदल मार्गी के लिए और दूसरा होता है घोड़ों वालों के लिए। जैसे आप ये सामने देख रहे हैं, तो ये जो रास्ता है ऊपर की ओर, ये पैदल पथ से जो चल रहे हैं वो चलेंगे, और ये जो नीचे की ओर जा रहे हैं ये घोड़े वाला का मार्ग है, जो घोड़ों से जा रहे हैं उनके लिए मार्ग है। तो अभी हमारे लिए कुछ थोड़ी दूरी पर और चढ़ना है, उसके बाद वहाँ से चढ़ाई नहीं बचेगी, और कहते हैं ये काफ़ी शॉर्टकट पड़ता है रेदर देन कि हम घोड़े वाले मार्ग में जाएं, क्योंकि अगर हम इस मार्ग से जाएंगे तो पहलगाम वाला जो रास्ता रहता है वो बीच में संगम मिलता है, तो डाउन जरूर जा रहा है लेकिन फिर उसके बाद काफ़ी लंबी चढ़ाई रहती है। तो अभी मैं मैं इस मार्ग से चलता हूँ और आपको वो पवित्र गुफा के दर्शन कराता हूँ। जय भोले की। और इस यात्रा में यार एक बात दो बात काफ़ी बहुत अच्छी हुई, कि पहला ये कि आज दिन जो है वो सोमवार का है, जो हमारे भोले बाबा का रहता है, तो इस दिन मुझे दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। और दूसरा, आज जो मौसम है काफ़ी खुला हुआ है और काफ़ी अच्छा सनी वेदर है, क्योंकि कल जब मैं आया था बालटाल में तो नेचर अनप्रिडिक्टेबल है, कल बहुत तेज़ बारिश हुई थी, सो रात में यही लग रहा था कि अगले दिन यात्रा ना रोक दी जाए, बल्कि अभी मौसम काफ़ी अच्छा है, तो हम इसी रास्ते से चलते हैं। जय भोले की, जय बाबा बर्फानी। जय भोले की। तो फाइनली यार मैं आ गया हूँ जहाँ से है फर्स्ट व्यू ऑफ द होली केव, जहाँ हमारे बाबा विराजमान हैं और दर्शन देंगे, तो उनका जो पहला दर्शन है इस जगह से दिखता है वो ये देखो आप, ये जो आप देख रहे हो जस्ट, ये देख रहे हो आप जस्ट सामने, यही है पवित्र गुफा जहाँ विराजते हैं बाबा बर्फानी। और आप इस तरफ से अगर आप देखोगे तो वो जो रास्ता आ रहा है वो है पहलगाम से आने वाला, और जो बीच में हमने रास्ता छोड़ा था ये नीचे की ओर, वो है घोड़ों वाला। तो यहाँ पे जाके बीच में ये संगम कहलाता है, और उसके बाद सीधा हम जो है यहाँ से निकलेंगे। तो अभी आज है 2-3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर और चलना है, और हम काली माता से, काली माता के, काली माता का स्थान है, अच्छा काली माता टॉप जिसको बोला जाता है, जी जी काली माता की पौड़ियाँ। तो सबसे पहले हम माँ काली के दर्शन करेंगे, उसके बाद सीधा बाबा बर्फानी के पास जाएंगे, और 3.5 किलोमीटर का ये ट्रैक और बचा हुआ है, फिर हमें अद्भुत बाबा के अद्भुत दर्शन होंगे। जय बाबा बर्फानी। और ये है पवित्र माँ काली का स्थान, काफ़ी ऊपर है उनका स्थान, और अगर मैं दिखाऊं तो एक मूर्ति बनी हुई है, ये देखिए ये मूर्ति बनी हुई है माँ काली की। सबसे पहले इनके दर्शन करेंगे, तो माँ काली के दर्शन के बाद उनसे हम एक ही चीज़ बोलेंगे, जय माँ काल का, टोकरा भर दे माल का, और खर्चा चले साल का, बाकी जय बाबा भोले की जय। तो यार ओम नमः शिवाय, और मैं आ गया हूँ बाबा बर्फानी के द्वार, बस अब मुझे कुछ स्टेप्स चढ़ने हैं, और सामने ही है वो पवित्र गुफा, तो देखता हूँ कहाँ तक मैं वीडियो शूट कर सकता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊं तो ये देखिए सारे घोड़े वाले पालकी वाले यहीं रोक देते हैं, और ये आप पूरा देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ये सारे घोड़े वालों ने यहाँ पे इनको ड्रॉप कर दिया है, और ये लास्ट है पड़ाव, और सामने ही है कुछ स्टेप्स चढ़ के बाबा बर्फानी का द्वार। तो मुझे यहाँ पहुँचने में तकरीबन 6 घंटे लगे, मैं 5 बजे सुबह मॉर्निंग में निकला था, तो 11 ही बज जाएगा मुझे, तो सुबह 5 बजे निकला था और अभी बज रहे हैं 11, तो तकरीबन 6 घंटे मुझे लगे। तो ये 15-16 किलोमीटर का ट्रैक टफ तो था, टाइम भी काफ़ी लगा, बट दर्शन करने में जो आनंद है वो दर्शन करते हैं तो सारे थकान उसी समय क्षण भर में दूर हो जाएगी। मैं ऊपर चलता हूँ और आपको भी दर्शन करवाता हूँ। जय बाबा बर्फानी। तो मुझे अब ये बस ये कुछ ही स्टेप्स चढ़नी है और सामने फिर बाबा के दर्शन करने हैं,
क्योंकि अब यहाँ मोबाइल और सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो हैं वो जमा हो जाएंगे। तो मैं यहीं रख देता हूँ और दर्शन करके फिर आपसे मिलता हूँ। तो भाइयों, मैं जस्ट सामने ही पवित्र गुफा के और बाबा बर्फानी का ये धाम, बट गवर्नमेंट ने एक रिस्ट्रिक्शन दे रखा है कि मुझे सारे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो हैं, कैमरा, मोबाइल, इवन माय बैग, वो क्लॉक रूम में जमा कराना पड़ेगा। तो मैं उसे जमा करा के दर्शन करता हूँ और उसके बाद क्या अनुभव था वो आपसे शेयर करता हूँ। हालांकि जस्ट सामने ही है बाबा बर्फानी, आप भी एक बार दर्शन कीजिए। जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी। तो भाई लोग, अभी जस्ट मैं दर्शन करके उतरा, थोड़ा टाइम लग गया यार, 2 से 2.5 घंटे, क्योंकि वहाँ पे इशू था, मोबाइल और बैग ये सब कुछ नहीं ले जा सकते थे, तो अलग से क्लॉक रूम बना हुआ था, तो उस चक्कर में थोड़ा टाइम लगा। बाकी काफ़ी अद्भुत दर्शन हुए और अब मैं वापस से 16 किलोमीटर वापस बैक ट्रैक करके बालटाल जा रहा हूँ। तो इसमें भी लगभग आने में मुझे 6 घंटे लगे थे, तो जाने में तकरीबन 4 से 4.5 घंटे तो लगेंगे, क्योंकि मौसम भी अनसर्टन है। तो देखते हैं, और पहुँचने के बाद अपडेट करता हूँ। बाकी काफ़ी अच्छा नज़ारा, बहुत ही हेल्पफुल लोग, और बस यही कहना चाहूँगा, शासन और प्रशासन ने काफ़ी हेल्प की है, जिससे ये यात्रा काफ़ी सुगम और सुखदायी हो गई, तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। सो मिलते हैं फिर नीचे, या कुछ अपडेट रहता है तो मैं आपको देता हूँ। तब तक के लिए जय बाबा अमरनाथ, जय बाबा बर्फानी।